हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि अदित्री क्लासेस आज के वीडियो का टॉपिक है नेशनल पार्क्स इन इंडिया जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स यहां पर सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड रखे गए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको मदद करेंगे सो चलिए फ्रेंड्स क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्स्ट देखिए स्टेब्लाइशमेंट इन नाइनटीन डैश इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क सिंपली आपको यहाँ पर बताना है सो आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट फ्रेंड्स, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ कौन से स्टेट में लोकेटेड है सो द आंसर इज मध्य प्रदेश फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में लोकेटेड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वी कैन फाइंड द रणथम्बोर नेशनल पार्क इन डैश रणथम्बोर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है सिंपली हम लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा है सो आंसर इज राजस्थान फ्रेंड्स राजस्थान में आपका लोकेटेड है रणथम्बोर नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है आंसर इज असम। असम में लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन बांदीपुर नेशनल पार्क कौन से राज्य में सिचुएटेड है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज कर्नाटका फ्रेंड्स कर्नाटका में लोकेटेड है बांदीपुर नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन द एन जें एनडेंजर्ड एशियाटिक एनिमल कैन बी फाउंड इन विच नेशनल पार्क जो एंडेंजर्ड एशियाटिक लाइन्स हैं वो इनमें से कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं तो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गिर नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा गुजरात स्टेट में जो कि एशियाटिक लायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है अगला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स आंसर इज हेली नेशनल पार्क तो जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्टेब्लाइशमेंट हुई उस टाइम पे इसका नाम हेली नेशनल पार्क था उसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल पार्क दैट वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज ऐसा नेशनल पार्क बताना है जो कि पहला नेशनल पहला टाइगर रिजर्व था इंडिया में सो वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है ये पहला ही नेशनल पार्क है और इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका एक ही है लेकिन पूछने के डिफरेंट डिफरेंट वेज आपके एग्जाम में बन सकते हैं सो ज़रूर याद रखें इंपॉर्टेंट है Next, friends declared a wildlife reserve in 1955. The tiger reserve is famous for the sudden disappearance of its tiger in its 21st century. Which national park is it? Dehko? इसको 1955 में वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और यहाँ पे सडनली क्या हुआ कि टाइगर्स डिसअपियर हो गए बिल्कुल ये कौन सा नेशनल पार्क है तो फ्रेंड्स आंसर इज सरिस्का नेशनल पार्क सो so, सरिश्ना नेशनल पार्क जिसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर किया गया था नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल पार्क विच इज़ फेमस एज अ होम ऑफ बिग फाइव ऐसा नेशनल पार्क हमें बताना है जो कि फेमस है आपका बिग फाइव के लिए आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क सो फ्रेंड काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है होम ऑफ विग फाइव अगला क्वेश्चन सतपुड़ा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है आंसर इज मध्य प्रदेश फ्रेंड सतपुड़ा नेशनल पार्क की लोकेशन है मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन पिन वैली नेशनल पार्क बेस्ट नोन फॉर द साइबेरियन आईबेक्स इज लोकेटेड इन पिन वैली नेशनल पार्क जो कि फेमस है जो कि जाना जाता है साइबेरियन आइबेक्स के लिए और इसकी लोकेशन है आंसर इज हिमाचल प्रदेश फ्रेंड्स पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन फाइंड द नंदा देवी नेशनल पार्क इन नंदा देवी नेशनल पार्क हमें ये कहाँ पर मिलेगा तो फ्रेंड्स आंसर इज उत्तराखंड उत्तराखंड में है नंदा देवी नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की लोकेशन कहां पर है फ्रेंड्स आंसर इज अंजमान एंड निकोबार आइलैंड्स सो याद रखिएगा अंजमान निकोबार आइलैंड में है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट सिमली पाल जो नेशनल पार्क है इसमें बताना है हमें कि ये नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पर है तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज उड़ीसा उड़ीसा में है सिमली पाल नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ सुंदरबंश नेशनल पार्क लोकेटेड जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ लोकेटेड है सुंदरबन के नाम से आप सभी जानते होंगे कि सुंदरबन डेल्टा भी है जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है और ये है आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है वेस्ट बंगाल इसके बाद नेक्स्ट है डैश इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है फ्रेंड आंसर इज हैमिश नेशनल पार्क सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे स्टार्टिंग का ये सब इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स तो हेमिश नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क है सबसे बड़ा अगला पूछा गया है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क तो जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन नेशनल पार्क सो बड़ा कौन सा था फ्रेंड्स बड़ा था आपका हैमिश नेशनल पार्क और छोटा अगर पूछें तो कौन सा है साउथ बटन नेशनल पार्क. पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज बींगम टू नाइनटीन परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डेट इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया सो वहां पर सबसे ज्यादा टाइगर है इसलिए उसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं और ये स्टेट है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश तो फ्रेंड्स याद रखेगा मध्य प्रदेश स्टेट को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन है एडेड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014 द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड फ्रेंड्स यहां पर एक चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि यूनेस्को की लिस्ट में ये शामिल हुआ है 2014 में बताना है कि इसके लोकेशन कहाँ पे है आंसर इज हिमाचल प्रदेश तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में इसके बाद डैश इज द स्टेट विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं तो फ्रेंड्स आंसर इज मध्य प्रदेश आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मोस्ट फेमस फॉर इस अमेजिंग ब्लैक बर्ग पॉपुलेशन ब्लैक बग एनिमल है ये आप देख सकते हैं और इसकी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ब्लैक नेशनल पार्क इस ब्लैक नेशनल पार्क की फ्रेंड्स लोकेशन बतानी है सो so, ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में तो फ्रेंड्स याद रखिएगा गुजरात में लोकेटेड है ब्लैक नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन है इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन काजी खांग जे दोंगजा जिसको काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं वॉज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सो द आंसर इज सिक्किम फ्रेंड्स सिक्किम में लोकेटेड है काजिरंगा नेशनल पार्क जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया था अगला क्वेश्चन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन सी झील पर लोकेटेड है आंसर इज लोकटक लेक फ्रेंड्स ये लोकटक लेक जो कि एक पे लो, लो, मतलब एक तरीके से लोकेटेड है और इसे बोलती हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसे हम बोलोगे तैरते हुए नेशनल पार्क सो ये पूछ लेते हैं कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है सो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच अब देखो एक तरफ आपको टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हैं दूसरी तरफ आपको दिए गए हैं स्टेट तो आपको बताना है कि ये करेक्टली कौन सा मैच होता है तो हम ऑप्शन को आप देखें एक बार इनमें से देखो जो करेक्टली मैच होता है वो ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड है आपका बिहार में बाकी सब बिल्कुल गलत हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं आपको मैच करने के लिए भी आ सकती है कौन सा सही पेयर है या फिर कौन सा रॉन्ग पेयर है इस तरीके से आपको चुनने के लिए आ सकते हैं तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है वेयर इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन है आपकी असम स्टेट में तो फ्रेंड्स असम स्टेट में लोकेटेड है मानस नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओशियनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जो ओशियनिक नेशनल पार्क है ये कहाँ लोकेटेड है आंसर इज कच्छ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कच्छ में लोकेटेड है ओशियानिक नेशनल पार्क इसके बाद है बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बताना है लोकेशन कहाँ पर है सो द आंसर इज मध्य प्रदेश फ्रेंड्स मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन भीतरकनी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया भीतरकनी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है आंसर इज उड़ीसा तो फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट में भीतरकनी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है अगला क्वेश्चन वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क सिचुएटेड भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ सिचुएटेड है आंसर इज फुलवारी के नायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सो फ्रेंड्स फुलवारी के नायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज इन उड़ीसा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिया आप लोगों से स्टेट बोल दिया और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि उड़ीसा स्टेट में है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सतकोशिया टाइगर रिजर्व सतकोशिया टाइगर रिजर्व की लोकेशन है उड़ीसा स्टेट में अगला क्वेश्चन नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन नागरहोल तो so नागर नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है so तो फ्रेंड्स आंसर इज कर्नाटका सो याद रखेंगे फ्रेंड्स कर्नाटका में लोकेटेड है नागरहोल नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज वर्ल्ड फॉसिल पार्क सिचुएटेड विश फॉसिल पार्क कहाँ सिचुएटेड है सो आंसर इज डेजर्ट नेशनल पार्क में सो so डेजर्ट नेशनल पार्क में है वर्ल्ड फॉसिल पार्क सिचुएटेड अगला क्वेश्चन सरिस्का टाइगर रिजर्व इज इन लोकेटेड इन जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसकी लोकेशन कहाँ पे है सो द आंसर इज राजस्थान तो फ्रेंड्स राजस्थान स्टेट में है लोकेटेड सरिस्का टाइगर रिजर्व अगला क्वेश्चन बाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच एरिया तो फ्रेंड्स वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड है बिहार स्टेट में सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज केवला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन सो फ्रेंड्स यह बताना है कि केवला नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ पर है आंसर इज राजस्थान फ्रेंड्स राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है केवला नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज लोकेटेड इन मिजोरम इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि मिजोरम में लोकेटेड है आंसर इज ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क फ्रेंड्स ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क की लोकेशन है मिजोरम स्टेट में अगला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैश्ड भाई इसमें से देखो फिर यहाँ पे आपको नेशनल पार्क दिए गए हैं और इधर आपको दिए गए हैं स्टेट आपको बताना है कि करेक्टली पेयर कौन सा है तो अगर आप सारे ऑप्शन को देखो तो करेक्टली लोकेटेड करेक्टली है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में क्या है लोकेटेड है अगला है इंद्रकिला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दिस स्टेट इंदर किला नेशनल पार्क कौन से राज्य में लोकेटेड है आंसर इज हिमाचल प्रदेश फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में इंदर किला नेशनल पार्क लोकेटेड है अगला क्वेश्चन गंगोत्री नेशनल पार्क तो so, सिंपली आपको बताना है कि गंगोत्री नेशनल पार्क की ये कौन से राज्य में है तो ये है उत्तराखंड स्टेट में फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है गंगोत्री नेशनल पार्क नेक्स्ट इज़ तडोबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तडोबा नेशनल पार्क कौन से राज्य में लोकेटेड है आंसर इज महाराष्ट्र फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य में लोकेटेड है तडोबा नेशनल पार्क नेक्स्ट चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ स्टेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया चंदोली नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है आंसर इज़ महाराष्ट्र फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य में है चंदोली नेशनल पार्क और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था तडोबा उसकी लोकेशन भी कहाँ है महाराष्ट्र में अगला क्वेश्चन है डैश नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका अगला क्वेश्चन है डैश नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है आंसर इज़ नागरहोल नेशनल पार्क फ्रेंड्स नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोकेटेड इन असम? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि आपका असम में लोकेटेड है आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क सो so, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपका लोकेटेड है असम स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ बाल पखरम नेशनल पार्क लोकेटेड तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताना है कि बाल नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है आंसर इज मेघालय फ्रेंड्स मेघालय स्टेट में लोकेटेड है बाल नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन कैंपवेल बे नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट स्टेट और आगे आप लोग यहाँ पे ऐसे यूटी भी कर लो ठीक है तो कैंपबेल नेशनल पार्क कौन से राज्य या यूटी में लोकेटेड है आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है कैंपबेल बे नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन औरंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट औरंग नेशनल पार्क ये कहाँ कौन से राज्य में लोकेटेड है आंसर इज असम। फ्रेंड्स असम राज्य में लोकेटेड है औरंग नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन पलानी हिल्स नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट क्वेश्चन में बताना है पलानी हिल नेशनल पार्क कौन से राज्य में सिचुएटेड है आंसर इज़ तमिलनाडु फ्रेंड्स तमिलनाडु में लोकेटेड है पलानी हिल्स नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आंसर इज़ उत्तराखंड फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन वन बिहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आंसर मध्य प्रदेश फ्रेंड्स मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है वन बिहार नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन दुधवा नेशनल पार्क ये कौन से राज्य में है आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है दुधवा नेशनल पार्क और ये जो इंडो नेपाल बॉर्डर है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ये भी ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है इसकी स्थापना नाइनटीन में हुई थी ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसको नाइनटीन में कन्वर्ट किया गया था नेशनल पार्क में इसके बाद है बिसोन जिसे राजबरी भी बोलते हैं ये नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है तो ये सिचुएटेड है आंसर हिस त्रिपुरा फ्रेंड्स त्रिपुरा में सिचुएटेड है बिसन या राजबरी नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन बेतला नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन अ छोटा नागपुर प्लेट इन द लातेहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अब ये लातेहर डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य का है तो ये है झारखंड डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन जाएगा कि बैतला नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है सो आंसर इज झारखंड स्टेट में अगला क्वेश्चन रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क सिचुएटेड इन रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी इसके बाद है इटांगी नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंटांगी नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है आंसर इज नागालैंड स्टेट में तो ये नागालैंड स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है पेरेन पेरेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पे गोल्डन लंगूर हॉर्नवेल पाइथन काफ़ी सारे क्रिएचर यहाँ पर क्रिएचर का एक घर है और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये लोकेटेड है नागालैंड स्टेट में अगला क्वेश्चन मुरुगवनी नेशनल पार्क लोकेटेड इन आंसर इज तेलंगाना फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है मुरुगनी नेशनल पार्क और यहाँ पे 600 डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं एंड 350 फिफ्टी स्पॉटेड डियर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सो so, याद रखिएगा स्टेट हो जाएगा तेलंगाना नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ इन कर्नाटका आपके पास देखिए तीन नेशनल पार्क आपको दिए गए हैं इन नेशनल पार्क में आपको बताना है कि इनमें से कर्नाटका में कौन से हैं खावली फर्स्ट और सेकंड है सेकंड और थर्ड है या खाली सेकंड है ऑल ऑफ दीज है तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बन सकता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया है आंसर देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ये अंशी नेशनल पार्क बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुंद्रमुख नेशनल पार्क इन सभी के लोकेशन है आपकी कर्नाटका स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा नेशनल पार्क अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन गोलाघाट एंड नागोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज अ फेमस फॉर अब ये तो हमें पता है फ्रेंड्स कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये लोकेटेड है आपका असम स्टेट में लेकिन ये फेमस किसके लिए है तो ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है यानी एक सिंग वाले गेंडे के लिए ये फेमस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क हैज़ बिकम फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू हैव बिन इक्विप्ड विद सेटेलाइट फोन कौन सा नेशनल पार्क है पहला नेशनल पार्क जो इक्विप्ड है जहाँ पे सेटेलाइट फोन का यूज़ किया जा रहा है आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपका लोकेटेड है आसाम स्टेट में और ये वर्न हॉर्न डायनासोर्स के लिए फेमस है तो फ्रेंड्स ये दो तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन है राइमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो कि छठा नेशनल पार्क बना कौन से स्टेट का वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी रिसेंट का ये क्वेश्चन है आंसर इज असम फ्रेंड्स राइमोना रिजर्व फॉरेस्ट असम का सिक्स नेशनल पार्क बना क्वेश्चन इज नेक्स्ट वेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से हम टाइगर्स को बचा सकते हैं उनकी संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था इसके बाद है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया तो फ्रेंड्स स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2009 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद है बानीर घट्टा नेशनल पार्क इसकी लोकेशन कहाँ पे है बानेर घट्टा नेशनल पार्क लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में फ्रेंड्स कर्नाटका स्टेट के अगर हम रिवाइज करें तो एक हमने पढ़ा था नागर होल नेशनल पार्क ये कर्नाटका में है जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं इसके अलावा कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क भी है और एक और है दांदली नेशनल पार्क ठीक है अभी अंशी नेशनल पार्क तो इस तरीके से आप लोग रिवाइज़ करोगे तो फ्रेंड्स जरूर याद हो जाएंगे इसके बाद देखिए दांदेरी नेशनल पार्क तो अभी हमने इसको पढ़ा कि ये भी आपका लोकेटेड है कहाँ कर्नाटक कर्नाटका स्टेट में क्वेश्चन इज सिरोही नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ये कहाँ पर सिचुएटेड है आंसर इज मणिपुर स्टेट अच्छा फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट में एक और नेशनल पार्क था जिसे हमने क्या बोला था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड ये पूरे विश्व में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इसका नेम है केबो लामजौ जो कि लोकटक लेक पर है और मणिपुर स्टेट में है नेक्स्ट क्वेश्चन इज काशु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट आंसर इज तेलंगाना तो फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूटेड देखो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये कब गठित किया गया था आंसर इज 1952 में इसका मेन पर्पस ये था इस बोर्ड का कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि किस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेशनल पार्क को कैसे कंस्ट्रक्ट करें या सेंचुरीज हो या जूलॉजिकल गार्डन तो इन सभी को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी है आप कह लो इसे जिसे बोला है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नाइनटीन में इसका गठन किया गया था इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर ओलिव रिडली सी टर्टल फॉर मेटिंग एंड नेस्टिंग आंसर इज गाहिर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात करते हैं अगर इसकी लोकेशन की तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा स्टेट में जो कि बहुत सुटेबल प्लेस है ओलिव रिली सी टर्टल्स के लिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फोनिंग नेशनल पार्क इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ कश्मीरी स्टेग इनमें से कौन सा नेशनल पार्क एक नेचुरल आवास है कश्मीरी स्टेक का आंसर इज दाचीगाम नेशनल पार्क जो कि आपको दाचीगाम नेशनल पार्क जो कि फेमस है कश्मीरी स्टेक के लिए बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में अगला है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि इंडिया का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आंसर इज़ आंसर हो जाएगा आपका घांगजे दोंगजा नेशनल पार्क जो कि इंडिया का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था और इसमें नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज दोनों मिक्स हैं ओके अगला क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू एन्वायरमेंटल लॉज इन द कंट्री आंसर इज सुब्रमण्यम कमेटी। तो फ्रेंड्स सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया था इनवायरमेंटल लॉस को रिव्यू करने के लिए सो आपको आंसर ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन है निटांगी नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है फ्रेंड्स इसकी लोकेशन है नागालैंड स्टेट में अगला क्वेश्चन विच नेशनल पार्क शेयर बिटवीन टू ने टू स्टेट इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो की दो स्टेट में शेयर होता है आंसर इज़ पापीकोंडा नेशनल पार्क देखो अगर हम दो स्टेट की बात करते हैं तो वो दो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है तो इसलिए थोड़ा इसका पार्ट आंध्र प्रदेश में है और थोड़ा इसका पार्ट आपको मिलेगा तेलंगाना स्टेट में इसके बाद है बानेर घट्टा नेशनल पार्क इसकी लोकेशन है कर्नाटका स्टेट में तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बानेर घट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटका में चंदोली नेशनल पार्क आपको मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट में सो so, चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र स्टेट के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको सिचुएटेड है और इसका स्टेब्लाइशमेंट हुई थी 2004 में तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पर करी हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं so, सो ऐसे ही आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो